नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लोरोस्कोप। तो अब हम जानेंगे फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, जनरल रेडियोग्राफी से कैसे डिफरेंस होता है फ्लोरोस्कोपी, क्या इसका यूज़ होता है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे हम फ्लोरोस्कोपी को ऑपरेट करते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्लोरोस्कोपी होता क्या, तो फ्लोरोस्कोपी क्या है, फ्लोरोस्कोपी में लाइव ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइव देखने के लिए अपन फ्लोरोस्कोपी का यूज किया जाता है। जो जनरल रेडियोग्राफी है उसके अंदर हम स्टिल इमेज का यूज होता है। फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि जो इमेज है वो इंटरनल ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या स्ट्रक्चर की लाइव पिक्चर देखने के लिए अपन फ्लोरोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि फ्लोरोस्कोपी है, इसको हम प्रोसीजर रूम भी बोलते हैं। फ्लोरोस्कोपी का रूम होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम प्रोसीजर रूम भी बोलते हैं। इसके अंदर जो भी प्रोसीजर होते हैं, जैसे बेरियम स्वेलो, बेरियम मील हो गया, बेरियम एनिमा हो गया, HSG हो गया, RGU, MCU, वो सारे के सारे प्रोसीजर हैं वो फ्लोरोस्कोपी पे किया जाता है। इसके अंदर जो इमेज की क्वालिटी है वो बेटर विजुलाइज होती है, जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह रहते हैं अपन वो लाइव देखा जाता है, जिससे कि अपन को डायग्नोस करने में हेल्प होती है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको अपन कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सी केस इसके क्या क्या काम आती है, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले ये है कि सबसे पहले अपन को वहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो यहाँ पे जो कंसोल रहता है उसके अंदर दो मोड रहते हैं, एक तो जनरल मोड होता है, एक रेडियोग्राफिक मोड होता है, एक फ्लोरो मोड होता है। तो सबसे पहले वहाँ पर फ्लोरो मोड ऑन करना है। फ्लोरो मोड ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये जो है इसको इमेज इक्वेशन डिवाइस बोलते हैं। ये तीन प्रकार का होता है इमेज इक्वेशन डिवाइस। पहला है एक्सपोर्ट फिल्म डिवाइस, दूसरा है ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर, तीसरा है सीने फ्लोरोग्राफी या वीडियो रिकॉर्ड। ये जो है ये स्पोर्ट फिल्म डिवाइस है, सबसे पुराना जो चलता आ रहा है वो है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको पुराना है, इसको स्पोर्ट फिल्म डिवाइस बोलते हैं। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस में क्या होता है, मैनुअली अपन को फिल्म को कैसेट को चेंज करना होता है। एक इमेज एक एक्सपोज में एक इमेज ही हम ले सकते हैं। इसके अंदर मैनुअली कैसे कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि दो टाइप की कैसेट डलती है, एक 8:10 और एक 10:12। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, यहाँ से इसको पुश करना है। पुश करने के बाद ये इसका यूज़ करके अपन क्या करना है, इस कैसेट को बांटना है। कैसेट डालने का एक तरीका होता है, जो कैसेट का फ्रंट पार्ट होता है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो कैसेट का बैक पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा। वापस इसको डालने के लिए अपन क्या करना है, इसको पुश करना है और यहाँ से ये छोड़ देना, ठीक है। किस इस पर जो भी यहाँ पर जो कीज लगी होती है फ्लोरोस्कोप प्लेट पे, उसका अपन कैसे यूज किया जाता है। इसके अंदर दो ट्यूब रहती है, जो फ्लोरोस्कोपी टेबल के नीचे एक ट्यूब लगी रहती है, यहीं से ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह है फ्लोरोस्कोप टेबल के नीचे से ही बाहर आती है, नीचे लगी रहती है एक्सरे ट्यूब। इसको अपन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोलिमीटर वगैरह कितना फील्ड ऑफ व्यू चाहिए वो यहाँ से अपन डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पेशेंट आया, जो प्रोसीजर है वो इसके पेशेंट को इसके नीचे रखते हैं, पेशेंट को इसके नीचे सुनाना है। सुनाने के बाद क्या करना है कि ये होती है FFD, जो इसको ऊपर नीचे करने के काम आती है। FFD कितनी ऊपर लेना, कितनी नीचे रहना। दूसरा है अपन को होल्ड करना है, जैसे ये आगे पीछे फिक्स करने के लिए इसको अपन को होल्ड करना है, ताकि एक जगह होल्ड हो जाए, एक जगह हिले डुले नहीं। तो ये फिक्स का काम करने का काम आता है, ये होल्ड लिखा हुआ जो ऊपर होता है वो फिक्स कर देता है एक जगह। तीसरी चीज इसके अंदर होता है एंगुलर, मतलब कि टेबल में एक एंगल लगता है, जैसे बेरियम स्वेलो वगैरह करने के लिए भाई एंगल लगाना है अपन को, तो कितना एंगल लगाना है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। और इसको ये दबाए, जैसे 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 इसके बटन को दबाते रहते हैं, ये एंगल ये टेबल अपने आप ऊपर नीचे की तरफ होती रहती है, तो एंगुलेशन का काम। एक चौथी चीज इसके अंदर है कि कोलिमीटर का यूज किया जाता है, ताकि कितना हमको फील्ड ऑफ व्यू खोलना है, कितना फील्ड ऑफ व्यू लेना है, तो ये कोलिमीटर का भी यूज किया जाता है। ये कोलिमीटर वगैरह सब एक्सरे ट्यूब के नीचे लग रहता है, जैसे इसके अंदर जैसे ये लाइट ऑन ऑफ है, हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल करना, वैसे इसके नीचे भी लगा रहता है।
एलबीडी वगैरह सब नीचे लगी रहती है, पर अपन वो यहाँ से डायरेक्टली उसको पॉलीमीटर वगैरह सब यहाँ से सेव कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर कोई रेडी का बटन नहीं रहता है, जैसे अपन जनरल रेडियो वगैरह अपन क्या करते हैं, पहले रेडी करके फिर एक्सपोज करते हैं, यहाँ पर इसमें डायरेक्ट एक्सपोज होता है। जैसे अपन इस चीज़ का यूज करते हैं, इसके अंदर ये डायरेक्ट एक्सपोज हो जाता है, तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रहता है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी होती है कि कितना एक टाइम लिमिट रहता है एक्सपोजर, लगातार एक्सपोजर नहीं होता है, कुछ टाइम रहता है, जैसे 25 सेकंड 30 सेकंड तक लगातार एक्सपोज हो गया, वापस एक्सपोज करने के लिए अपन को वापस रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट करके वापस अपन को एक्सपोज कर सकते। और इधर स्पोर्ट्स फिल्म डिवाइस में जैसे कैसेट डालनी है, कैसेट डालने के बाद जैसे कोई भी चीज़ की इमेज लेनी है अपन को, तो इसको यहाँ से यहाँ किया, यहाँ करने के बाद यहाँ से ये बटन दबाना है, बटन दबाते ही अपन क्या होगा एक्सपोज हो जाएगी और एक्सपोज अपने निकाल के जो भी चीज़ अपन प्रोसीजर कर रहे हैं वो अपन को सीधा आई आई टी वी मॉनिटर के अंदर अपन को दिखाई देगा। कोई भी इंटरनल बॉडी और कर्म वगैरह जो भी अपन चीज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कुछ कर रहे हैं, तो अपन वहाँ से डायरेक्ट दिखा देगा। ये है कि यहाँ पर लेंस का बना होता है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है, जो एक्सरे वगैरह है, जो रेज है वो अपने बाहर की तरफ अपनी तरफ नहीं लगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी में जब भी काम करो तो सारे अलग अलग प्रिंसिपल का यूज करके, लेड इम्प्रिंट, लेड ग्लव्स वगैरह सब पहन के ही मतलब फ्लोर ऑपरेट करना है, उनको टीएलडी वगैरह लगा के ही ऑपरेट करना है, हैवी लेड इम्प्रिंट वगैरह पहन के फिर ही अपने फ्लोर को ऑपरेट करना है, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन वगैरह कंटिन्यू निकलती रहती है, तो ये हानिकारक है, इसलिए जब भी ऑपरेट करना हो तो सारी चीज़ें पहन के ही फिर ऑपरेट करना है। फिर है कि इसको ऑन करने के लिए, फिर इसके बाद इसको ऑन किया जाता है, यहाँ इसका एक बटन रहता है, यहाँ से डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक ये चीज़ है, इसकी हेल्प की वजह से अपन कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी और ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी और ब्राइटनेस को अच्छे करने के लिए यहाँ से रिमोट का यूज किया जाता है, ताकि अपन को ज़्यादा एक्सपोजर ना देखें, इससे ही कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी और ब्राइटनेस बढ़ा के वहाँ खड़े खड़े कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी या ब्राइटनेस जो भी अपन चाहिए वो बढ़ा के अपन इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि फ्लोरोस्कोपी में क्या है। इसका मैंने तो आपको तीन प्रकार बताए थे, फ्लोरोस्कोप प्लेट के इमेज इक्वेशन डिवाइस के तीन पार्ट होते हैं, एक स्पॉट फिल्म डिवाइस होता है, एक ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर होता है, एक सीनियर फ्लोरोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डर होता है। स्पॉट फिल्म डिवाइस का मैंने बता दिया कि इसके अंदर एक फिल्म एक इमेज ले सकते हैं कैसेट के अंदर, और इसको मैनुअली हमको हटाना पड़ता है, मैनुअली अपन डालना पड़ता है। ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल इमेज ले सकते हैं, जैसे एक्सपोजर आपने छोड़ा, दूसरा एक्सपोजर लगाया तो फिल्म चेंज होकर अपना ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसका फायदा ये है कि जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है उसके अंदर अपना डिले नहीं होगा, फटाफट अपन उसको ले सकते हैं, पर ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता लगता है ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर। तीसरा आता है सिने फ्लोरोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डर। सिने फ्लोरोग्राफी वीडियो रिकॉर्डर का यूज है अपने कार्डियोलॉजी या न्यूरो के अंदर यूज किया जाता है, उसका उसके अंदर ये कैमरा लगा रहता है जो इंटरनल बॉडी और ब्रेन के जो भी लाइव मूविंग पिक्चर उसको रिकॉर्ड करता रहता है। उसके अंदर सबसे ये फायदा ये है कि जो भी कार्डियो में जो भी एनजीओ वगैरह करते हैं तो उसके अंदर उसका अच्छा फायदा मिलता है, बट उसके अंदर ये है कि जो एक्सपोजर है वो हैवी लगता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो फ्लोरों को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, कैसे इसकी कीज है इसका अपन यूज कर सकते हैं। तो आज अपन ने जाना कि फ्लोरोस्कोपी क्या होती है, जनरल रेडियोग्राफी से कैसे डिफरेंस होता है और कैसे अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और भी इसकी चीज़ें इसके बारे में अपन और भी आगे पढ़ेंगे कि फ्लोरोस्कोपी में क्या क्या होता है, ग्रिड वगैरह क्या होता है, इसमें ग्रिड लगी रहती है, ये टेबल रहती है, इसके टेबल के नीचे एक सर ट्यूब लगी रहती है, इसकी जो ग्रेड का रेस होता है वो 6:1 होता है। तो इसके लिए और भी आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।